हेलो नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश भोपाल से बड़ी खबर आ रही है। सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर लंबे समय से भर्ती नहीं होने से बुधवार को भोपाल में प्रदर्शन करने आए बेरोजगारों को रोजगार के बदले लाठी मिली। दोस्तों बेरोजगारों ने मांगा रोजगार, मिली लाठियां। तो दोस्तों बड़ी खबर है, बेरोजगार युवाओं के लिए वीडियो को लाइक शेयर करें ताकि हम भी इस आंदोलन का हिस्सा बन सकें। प्रदर्शन से पहले ही पुलिस ने कई युवकों को खदेड़ दिया। युवाओं को दावा कि इसमें 24 से ज्यादा युवक घायल हो गए हैं। आरोप है कि इन 24 युवकों को पुलिस ने जबरदस्ती एक वैन में बैठाया और भोपाल से करीब 25 किलोमीटर दूर छोड़ा है। दोपहर 1:30 बजे तक वे शहर से बाहर ही हैं। एमपी के बेरोजगार युवाओं ने साझा मंच मूवमेंट अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट ने 18 अगस्त को प्रदेश भर के युवाओं को भोपाल में एकजुट होने का आह्वान किया था। इसके चलते बुधवार सुबह से ही कई युवा रोशनपुर चौराहे पर जुड़ने लगे, लेकिन पुलिस ने यहां पर चारों ओर बैरिकेड्स कर रखी थी, इसलिए संगठन ने लोकेशन नहीं बदली। इसके बाद में नीलम पार्क में पहुंचने लगे, लेकिन आगे जाने से रोक दिया गया, लाठी भी बरसाई गई। संगठन के मनोज रजक ने बताया कि नीलम पार्क पर पुलिस ने संगठन के पदाधिकारी प्रमोद नामदेव, सुमेर सिंह बडोल, दिनेश ठाकुर, गोपाल प्रजापति समेत करीब 25 लोगों को पुलिस ने अपने वाहन में बैठाकर भोपाल से काफी दूर एक जंगल में लाई है। हमें गाड़ी में ही बंद कर रखा है। लाठी लगने से कई साथियों को चोट आई है जिन्हें इलाज की जरूरत है। एक महिला साथी भी साथ है। संगठन के पदाधिकारी का कहना है कि इस मध्य प्रदेश में पिछले कई सालों से कोई भी सरकारी भर्ती नहीं निकली है, जिसके कारण योग्य उम्मीदवार ओवरेज होकर परीक्षा से बाहर हो गए हैं। यहां तक कि विभागों में तमाम पद खाली पड़े हुए हैं। लोग लगातार सरकारी कर्मचारियों से रिटायर होने के बाद निरंतर पद खाली होते जा रहे हैं। इनकी वजह से जो कार्यरत सरकारी कर्मचारी है उन पर काम का दबाव बहुत ज्यादा है, साथ ही सरकारी कार्यालयों की कार्यशैली पर भी गलत प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे में सरकार को सभी विभागों में खाली पड़े पदों पर तुरंत स्थायी भर्ती करनी चाहिए। प्रदेश में पिछले 11 साल में शिक्षक नहीं हुई है। जो अभ्यर्थी शिक्षक पात्रता परीक्षा से पास कर चुके हैं, उनके डॉक्यूमेंट सत्यापित करवा चुके हैं, उन्हें पिछले 3 साल से अपनी नियुक्ति का इंतजार है। चाहे पुलिस, नर्सिंग या पैरामेडिकल स्टाफ की समस्या हो, किसी भी विभाग में भर्ती प्रक्रिया सुचारू रूप से नहीं चल रही है। इसके ध्यान में रखते हुए मांग उठाए रहे हैं, पर कोई हल नहीं निकल रहा है। धन्यवाद दोस्तों, बेरोजगार युवा आंदोलन को जारी रखने के लिए वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें ताकि आंदोलन सुचारू रूप से चलता रहे।